हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टैनो कूल में। आज का टॉपिक है प्रपोजिशन। वो हम एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ाऊंगा जो कि मैंने पहले कहीं पढ़ी थी, तो वो स्टोरी मैं आज तक नहीं बोला हूँ, उसकी वजह से मेरे को ये चैप्टर अच्छे से याद भी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप वो स्टोरी सुनेंगे तो आपको, तो आप भी कभी, शायद ही कभी प्रपोजिशन भूल पाएँ, आपको अच्छे से याद रहेगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको दोबारा कभी प्रपोजिशन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको कि हम स्टोरी के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे याद करना है ताकि आप कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे जॉइन, जॉइन का आपको पता है, कंप्राइज से मिलकर बना, स्ट्रेस और एम्फेसाइज दोनों का मतलब सेम होता है, एंश्योर किसी चीज़ के को लेकर एंश्योर होना, ओबे आप जानते ही होंगे, बेनिफिट, एंटर, सक्सीड और ऑर्डर आप सभी इनको मतलब जानते हो। साथ ही साथ आगे कुछ वर्ड्स हैं, लव, जाहिर सी बात है आप सभी इससे परिचित हैं, अकम्पनी किसी का साथ देना, असिस्ट भी साथ देना होता है, अकम्पनी भी, डिस्कस किसी कोई मैटर कर किसी जैसे कि कोई भी टॉपिक पे डिस्कस करना, डिस्क्राइब जैसे कि मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कंसीडर किसी की बातें मानना या किसी को सोचना, फिर डिस्पाइट के बावजूद, एस क्यू का मतलब होता है टू अवॉइड, किसी से बचना, रेडिक्यूल, रेडिक्यूल मतलब किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, अफेक्ट उसका, उससे प्रभावित होना, हेट किसी से नफरत करना, कंट्रोल अपने आप को कंट्रोल करना है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, इन्वेड और अटैक दोनों का मतलब सेम होता है कि किसी पर आक्रमण करना या हमला करना, कम्बैट एक तरीके का युद्ध होता है कि खुद से ही मान लो युद्ध हो गया, रेसिस्ट रेसिस्ट का मतलब ये होता है कि विरोध करना, वॉयलेट वॉयलेट का मतलब हो गया उल्लंघन करना, और जो बाकी के वर्ड्स हैं, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, लास्ट वीक, मंथ और ईयर, इन सभी का मतलब ये आप जानते ही हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद करने के लिए आपके सामने मैं एक स्टोरी बताऊंगा। आपने निश्चित तौर पर हमारा चैनल स्टैनो पूल ज्वाइन कर रखा है। इस चैनल में हम शामिल करते हैं स्टैनो डिक्टेशंस, जो कि लीगल मैटर से भी होती हैं, कैलाश चंद्र मैगजीन से भी होती हैं और दूसरी मैगजीन्स की भी होती हैं। तो इस चैनल में हम आपको जो भी पढ़ाते हैं, हम आपको स्ट्रेस डाल के पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक होता है उसमें हम एम्फेसाइज भी मैं करता हूँ, और आपको ये भी बताता हूँ कि आपको मेहनत करनी है, आपको एक कनेक्टिविटी बनाए रखनी है आप जो भी पढ़ते हैं उसके साथ, और रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको एंश्योर करता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ और ये आश्वस्त भी करता हूँ कि यदि आप मेरा ओबे करते हैं, मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या जो भी वीडियोज़ या जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, अगर आप उनका ओबे करते हो तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा, और आप ऐसी जगह एंटर करोगे, आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में चले जाओगे जहाँ एंटर करोगे वहाँ पे, तो आप निश्चित रूप से सफल होगे, जहाँ आपका पद ऐसा होगा कि आप किसी को भी ऑर्डर दे पाएंगे, एक तरीके से आप वहाँ पे मालिक होंगे। अभी दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दूसरी स्टोरी में भी आपको बताया जाएगा कि ये जो वर्ड्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल करता है, या तो कैसे याद रखने हैं, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम याद कर लेते हैं तो भूल जाते हैं, तो आपको एक स्टोरी बताऊँगा जिससे आप इन वर्ड्स को भूल नहीं पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था, किसी लड़की से वो प्यार करता था, लव करता था, हर बात पे उसका साथ देता, अकंपनी देता, हर छोटी छोटी बात में उसका असिस्ट करता, उसका सहयोग करता था, चाहे वो अपना पर्सनल मैटर ही क्यों ना हो उससे डिस्कस करता था। अपने ज़िंदगी के हर पॉइंट को वो उसे डिस्क्राइब करता, और वो ये मानने लग गया था धीरे धीरे कि वो मेरी सॉलमेट है, ये कंसीडर करने लग गया था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज, लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो लड़की थी जिससे वो प्यार करता था, वो उससे बचा करती थी,
उसे अवॉइड करती थी, एश्यू का मतलब होता है टू अवॉइड, तो वो उससे बचा करती थी, उसे अवॉइड करती थी, उसका हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। इस बात से उस लड़के पर बड़ा गहरा असर पड़ा, इन चीज़ों ने बड़ा गहरा प्रभाव डाला उस पर। वो लड़का धीरे धीरे उस लड़की से हेट करने लग गया और उसने अपने आप से, या फिर कहें उसका अपने आप पे जो कंट्रोल था वो खो दिया। उसे लगा कि जैसे किसी चीज़ ने उसके इमोशंस पर अटैक किया हो, इन्वेड कर दिया हो, हमला किया हो, अटैक किया हो। अब अपने आप से वो एक युद्ध करने लग गया था, अपने आप से एक लड़ने लग गया था, कॉम्बैट हो गया था एक उसका अपने आप से। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इस इम्बैलेंस की कंडीशन में वो अपने आप से लड़ने लग गया, कॉम्बैट हो गया। अब जब कभी भी प्यार की बातें उठती थी या लव चैप्टर कभी भी कहीं भी डिस्कस होता था तो उसको रेसिस्ट करता था। वो जो भी लव गुरुज हैं जो बताते हैं कि प्यार करने के या जो प्यार के ये रूल्स हैं, जो भी रूल्स उनको बताता, जो भी होते हैं, उन सबको वो वॉयलेट करता, उनका उल्लंघन करता था, या फिर कहें कि उनका उल्लंघन करना उसने स्टार्ट कर दिया। उसका जो कल था वो निश्चित तौर पर ही बहुत डरावना था, बड़ा ही निराशाजनक था, लेकिन उसने ये स्वैर किया अपने आप से कि ये शपथ खाई कि आज जो मेरा है या फिर जो मेरा आज होगा वो निश्चित तौर पे अच्छा होगा, या फिर जो आज मेरा है उसके मुकाबले या उससे अलग जो मेरा आने वाला कल होगा वो उससे बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा। आने वाले दिन, आने वाले सप्ताह, आने वाले साल में वो प्रोग्रेस करेगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। उसने कहा कि जो मेरा आने वाला सप्ताह, आने वाला दिन, आने वाला महीना या आने वाला साल होगा उसमें वो कभी प्यार नहीं करेगा। चाहे मेरा जीवन का अंतिम साल हो, अंतिम महीना हो, अंतिम सप्ताह या अंतिम दिन हो, वो कभी प्यार नहीं करेगा। तो जो अभी आपने वर्ड्स देखे, जो कि मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, आपको पसंद आया कि अगर इस तरीके से आपको इंग्लिश के और टॉपिक्स भी पढ़ने हैं जो कि आपको अच्छे से याद रह जाए, आप कभी भूलें ना, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।